द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस प्लांट्स. आपको पता है इस आलमी वबा ने हमें क्या कुछ सिखाया. वन थिंग इज टू बी क्लीन, गंदे ना रहें, साफ रहें, हाथों को साफ करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, जगह को साफ करें. तो इस हवा को भी तो साफ करना है ना. देर आर सेवरल पैथोजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आर होम्स, इन आर ऑफिस. हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है जिसको इनडोर पॉल्यूशन कहा जाता है. और इनडोर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए बेहतरीन तरीका वो ये हाउस प्लांट्स है, यानी घरों के अंदर पौधे लगाए जाएं. एंड पीपल आर ट्राइंग टू बी मोर रियल, क्योंकि जब पैंडेमिक आई पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, उस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक हाउस प्लांट्स की खरीदो फरोख्त में 60% तक इजाफा हुआ. लोगों ने गार्डनिंग और जो शजरकारी बागबानी जैसे पेशों को अपनाया और इस हॉबी के तहत अपने घरों में दरख्त लगाए. देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है कि जब आपने ये प्योरीफायर्स यानी ये दरख्त, ये हवा को साफ करने वाली एक फैक्ट्री है, जब आपने अपने घर में लगाई तो आपके घर के अंदर की फ़जा वो साफ होगी. और अगर आप हाउस प्लांट्स का कॉन्सेप्ट देखें तो ये किचन गार्डन तक आता है. किचन गार्डन का मतलब ये कि इसको तो हमें घर में है, इनके लॉन में देखिए मुख्तलिफ सब्जियों के, मुख्तलिफ फलों के पौधे और दरख्त लगे हुए हैं. अब देखिए ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट यही है कि सब्जी और फल उसको गंदा पानी ना लगाया जाए और वो अच्छे अंदाज से उगाई जाएं और फिर उनको इस्तेमाल कर लिया जाए. अब लीमू का एक दरख्त है, लीमू का एक दरख्त तकरीबन 5 साल के बाद उसकी प्रोडक्शन 90 किलो से ज़्यादा हो जाती है. तो घर में नींबू मिले और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और नींबू के दरख्त से वो पूरा एरिया जो है वो उसकी खुशबू से महकता भी रहता है. तो अगर आप बाहर कहीं पे शजरकारी नहीं कर सकते, वन बेस्ट ऑप्शन इज हाउस प्लांट्स. आप घर में लगने वाले पौधे लीजिए. ये देखिए लिस्ट पूरी की पूरी मौजूद है, ये हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मिली है. इस लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट पर लिखे हुए सारे पौधे घर में लगाने के लिए बेहतरीन है और वो घर में मौजूद गंदे पॉल्यूटेंट्स को दूर करते हैं. लेकिन स्लोगन हमारा वही है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है.